हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे, तो मम्मी ने सोचा कि वैसे भी गणेश भगवान को लेके आना ही था, तो मम्मी ने बोला कि मंडे वाले दिन लेके आएंगे, क्योंकि बहुत शुभ होता है मंडे वाला दिन लेके आना। तो मम्मी ले आई हैं गणेश भगवान को और मैं बहुत एक्साइटेड हुई हूँ इनको देखकर। तो अब मैं कर रही हूँ हॉल क्लीन फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। सब लोग नहा लिए थे क्योंकि मंडे था, तो सब लोग जल्दी नहा लिए थे। उसके बाद मम्मी डैडी कर रहे थे पूजा, क्योंकि मंदिर गए थे वो दोनों, और मंदिर से आकर वो कर रहे हैं मंदिर में पूजा। और यहाँ मैं कर रही हूँ फटाफट से थोड़ी बहुत जो भी गंदा हो गया था वो सफाई। तो गाइज ये इसमें ना डैडी मंडे वाले दिन नारियल लेके आते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि डैडी हर मंडे को नारियल लेके आते हैं। और गाइस गणेश भगवान का दिन आने वाला है, गणेश भगवान को उसमें बिठाएंगे, फिर उनकी पूजा वूजा करा करेंगे। तो ये दिन ना ये हुए नवरात्रि हुए, ये दिन बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब एकदम अच्छा लगता है इन दिनों में। तो मैं कब से वेट कर रही थी कि कब गणेश भगवान घर पर आए, कब वो दिन आए, तो वो दिन आ ही गया और मम्मी गणेश भगवान को लेके आ ही गई। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को भी अपने घर पे गणेश भगवान को रखेंगे, पूजा वूजा करेंगे। वैसे मोस्टली सब लोग नहीं रखते हैं। तो ये रहा छोटा सा एप्पल डैडी लेके आए थे, छोटे छोटे, कितना क्यूट है ना। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ रूम की थोड़ी बहुत सफाई, और पूर्ति हर्ष को अभी भी मैंने जगाया, वो दोनों उठे। तो यहाँ पर ना ये थोड़ा मतलब टेबल पर जब हम लोग रूम में बैठते हैं तो थोड़ा टेबल पर सामान इधर उधर हो जाता है, ये साफ़ करना वो साफ़ करना। तो इसमें भिंडी रखी हुई थी, तो थोड़े मुझे अजीब सी लग रही थी, तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी इस भिंडी को फेंक दें क्या। और यहाँ पर पूर्ति हर्ष अभी मतलब सो कर उठ के आए हैं ना, तो इसे शांत बैठे हुए हैं। जब ये सो के आते हैं ना, तो मैं इन दोनों को छेड़ती हूँ, मुझे इन दोनों को छेड़ने में बहुत मज़ा आता है गाइस। गाइस मैं देख रही थी बाहर बहुत मतलब अच्छा मौसम हो रहा था। डैडी बोल रहे थे कि उनके साइड डैडी क्लिनिक पर बैठे थे, तो ये है क्ले पूर्ति की जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो डैडी बैठे थे क्लिनिक पर, तो डैडी का फ़ोन आया था, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर तो बारिश पड़ रही है, पर मम्मा ने बोला कि यहाँ तो नहीं पड़ रही। तो डैडी जी ने बोला कि शायद वहाँ पर भी थोड़े दिन बाद पानी आ जाएगा, सॉरी देर बाद। तो बस गाइस मैं वही वेट कर रही थी कि वहाँ मौसम अच्छा हो गया, तो फिर यहाँ पर हल्की सी धूप क्यों है। तो बस गाइस यहाँ पर भी मौसम अच्छा हो जाए फटाफट से, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है ना तो सब कुछ मतलब अच्छा हो जाता है, कुछ बनाने का मन करता है, कुछ खाने का मन करता है। तो गाइस फाइनली मौसम अच्छा हो ही गया, और देखिए थोड़ी थोड़ी पड़ रही है बारिश। वैसे भी ज़्यादा बारिश पड़ती है तो गाइस अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो हम सब लोग तंग आ जाते हैं, मतलब यार इतनी ज़्यादा बारिश बाहर भी नहीं निकल पा रहे, सब घर के अंदर बैठे बैठे देखते रहो। तो यहाँ पर क्या था ना कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, और बहुत हल्की हल्की बौछार टाइप से बोलते हैं ना बूंदें जो आती हैं वो हो रही थी, तो मुझे तो गाइस बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। तो ये देखिए ये बाहर का सीन मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है। मेरा तो मन कर रहा था कहीं घूमने जाने का और कुछ मस्त बढ़िया सा खा के आने का, तो मम्मी ने बोला कि चलो फिर इतना अच्छा जब मौसम हो रहा है तो फिर घर पर ही बनाते हैं छोले भटूरे वगैरह। और वैसे भी मम्मी डैडी का फास्ट था, तो फिर मम्मी ने बोला कि रात में छोले भटूरे खा के ही सोएंगे फिर सब। तो यहाँ पर दीदी छोले भटूरे की तैयारी कर रही हैं, तो छोले भटूरे बनाने के लिए दीदी ने यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च और ये अब अदरक छील रही हैं। और अब हो गया है गाइस रात का टाइम, खाना बनाने का टाइम, और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं शाम की पूजा। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि पूर्ति इतनी लंबी कैसे हो गई, तो देखा तो ये स्टूल पर खड़े होके ये घंटा बजा रही थी। गाइज इसको घंटा बजाने का शौक है, लेकिन हाथ पहुँचता नहीं है तो ये स्टूल पर चढ़ के बजाने लग जाती है मम्मी के साथ। तो यहाँ पर गाइज मैं अब शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ छोले की रेसिपी। तो यहाँ पर दीदी ने मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया है जीरा और हींग और ये कुछ जो बोलते हैं ना दालचीनी और जितने भी मसाले वगैरह होते हैं वो सब आप इसके अंदर डाल देंगे। तो ये दीदी ने डाल दी है थोड़ी कसूरी मेथी और ये डाल दिए हैं तेजपात के पत्ते। गाइस छोले में ये सब मसाले ना डालें तो छोले का मतलब बेकार हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर में जैसे नॉर्मली सब्जी बनी है।
तो यहाँ पर डाले हैं दीदी ने कुछ करी पत्ती की लीफ और मखाने और थोड़ा जो बड़ी वाली इलायची होती है उसको कूट के डाल दिया दीदी ने। और यहाँ पर डाल दिया है अब अदरक जो होती है उसको कूट के। गाइज़ अगर आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो आप इसमें लहसुन प्याज भी अवॉइड कर सकते हैं। तो अब दीदी कर ले रही हैं इसको थोड़ा मतलब लाइट सा फ्राई कर ले रही हैं। और अब इसके अंदर जब दीदी ये करती है ना तो तब थोड़ा सा छोले मसाला डाल के थोड़ा फ्राई कर लेती हैं। और तो थोड़ा छोले मसाला बनने के बाद डालती हैं। तो दीदी ने आप डाला यहाँ हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च। और अब ये डाल दिए हैं दीदी ने कलर वाली मिर्च। और अब उसके बाद डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्च। तो अब जब तक ये हरी मिर्च और टमाटर थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसको ढक के रख देंगे। तो टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए अब इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा नमक, जिससे कि टमाटर हम लोगों के जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। और अब दीदी ने इसको ढक दिया है। तो गाइस आफ्टर 5 मिनट इसको वो देखा तो ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। और जब ये सॉफ्ट हो गए हैं तो उसको हल्के से थोड़ा और कर लेंगे। तो गाइस फाइनली ये रेडी हो चुका है तड़का जो छोले में डालने वाला है। तो दीदी ने छोले पहले से बॉईल करके रख लिए थे और थोड़ा सा मतलब पतले कर लिए थे क्योंकि गाढ़े छोले ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो फिर उसके बाद मैं दीदी ने जो रेडी किया था तड़का वो इसमें मिला दिया है। और अब इसके ऊपर डाल देंगे दीदी थोड़ा बहुत छोला मसाला। और तो गाइस रेडी हो गई है टेस्टी टेस्टी छोले। बहुत इजी हैं गाइस, आप लोग भी ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोगों के छोले कैसे बने। तो यहाँ पर अब क्या है ना कि डैडी जी प्याज वगैरह थोड़ा खाते नहीं हैं तो फिर उसके बाद हम लोगों ने छोले में तो नहीं मिलाया, तो लेकिन अलग से उसको कट कर लेते हैं और जिसको मिलाना होगा वो ऊपर से कच्ची प्याज छोले में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी प्याज को चॉप। गाइस ये प्याज बहुत अच्छी थी, वैसे मेरे प्याज से आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन ये प्याज ऐसी थी कि इससे मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि डैडी से, डैडी आप कहाँ से लेके आए हो ये प्याज जिससे मेरे आंसू नहीं आया पहली बार। गाइस चॉपिंग बोर्ड पर हम लोग वेजेस को चॉप करने में थोड़ा आलस कर जाते हैं, पर रियली में देखा जाए तो चॉपिंग बोर्ड पर सब्जी बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। और यहाँ पर मम्मी ने भटूरे के लिए तेल गरम किया हुआ था तो डैडी बोल रही कि नहीं हटो पहले मुझे मेरी मिर्च छोंक मतलब छोंकने दो। डैडी को थोड़ा चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो यहाँ पर डैडी अपने लिए कर रहे थे मिर्च रेडी। तो डैडी ने और तेल में पहले मिर्च को फ्राई कर लिया और उसके बाद थोड़ा खटाई और धनिया पाउडर और नमक और अब डैडी इसमें डाल रहे हैं। डैडी तो अपने मन से जो मन करे ना गाइस वो डाल लेते हैं और वाकई में वो टेस्ट चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं सबके लिए गरम गरम भटूरे। तो गाइस फाइनली हम लोगों का खाना रेडी हो चुका है। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खाना है। और वीडियो पसंद आए तो डू लाइक डू शेयर डू कमेंट डू सब्सक्राइब और बढ़े ना मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।